जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है वह है समाधि उपाय तो संप्रज्ञात समाधि के विषय में और असंप्रज्ञात के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने अभी प्राप्त की है कुछ सूत्रों के माध्यम से यद्यपि यह ग्रंथ ही समाधि ग्रंथ है योग शब्द का अर्थ ही समाधि है तो यह तो बहुत विस्तार से यह चर्चा है कि समाधि उपाय क्या है लेकिन अभी इस परिवेश में जिस समाधि की चर्चा हो रही है हम उसे समझने का प्रयास करेंगे तो समाधि उपाय किस प्रकार से यहाँ समझाया जा रहा है आज उसे हम समझने का प्रयास करेंगे और यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है कारण क्या है कहने के पीछे वह भी यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों महर्षि पतंजलि यहाँ समाधि उपाय समाधि उपाय का समझिए कि एक छोटा सा भाग वो समझा रहे हैं यद्यपि हमें करना क्या है योगश्चित वृत्ति अगर थोड़ा सा पीछे का हम लेते हुए चलें समझते हुए तो रिकैप हो जाएगा पूरा तो योग सूत्र का प्रारंभ होता है अथ योगानुशासनम योग अनुशासनम की योग अनुशासन जरूरी है अनुशासन से ही योग संभव है और यह अनुशासन स्वयं की जिम्मेदारी है कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा इसके लिए स्वयं ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा और फिर अनुशासन से किस लिए योग का अनुशासन किस हेतु तो योग के लिए और योग क्या है तो योगस चित्तवृत्ति निरोध चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है और चित्तवृत्ति के निरोध से क्या प्राप्त होगा तो स्वरूप लाभ होगा तद दृष्टि स्वरूप स्वरूप की उपलब्धि होगी स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी और स्वरूप की अवस्था चित्त निरोध अगर ना हुई और स्वरूप की अवस्था ना प्राप्त हुई तो फिर स्वरूप कैसा होगा तो बताया गया वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अर्थात वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अर्थात कि वृत्ति ही स्वरूप बन जाएगा अब यह वृत्ति कितने रूप में स्वरूप बनेगा तो बताया गया कि ये पंच वर्त्तियां क्लिष्टा क्लिष्टा की पांच वर्त्तियां हैं जो क्लिष्ट अक्लिष्ट तो मतलब सुख पैदा करने वाली और दुख पैदा करने वाली ये वर्त्तियां हैं जरूरी नहीं है कि हम हर वृत्ति से प्रसन्न नहीं हों सुख का ही अनुभव करें दुखी भी अनुभव और ये जितनी भी पांच वर्त्तियां हैं उन सब में सुख दुख का भेद है उन सब में क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद है तो अब वह पंचवृत्तियाँ कौन सी हैं तो महर्षि पतंजलि यहाँ लिखते हैं प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृत अर्थात प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृतिय ये पंचवृतियाँ हैं इनका निरोध करना है और यही हमारा स्वरूप है जिस समय आत्मा का ज्ञान नहीं है जिस समय मूल ज्ञान नहीं है जिस समय पुरुष ख्याति नहीं है मतलब पुरुष का ज्ञान नहीं है पुरुष तत्व का ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान नहीं है उस समय कौन है फिर वृत्तियां हैं और वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं वृत्तियां ही वृत्ति सारूप्य मित्रत्र अर्थात वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं तो प्रमाण का कभी प्रमाण वृत्ति में स्वरूप होगा कभी विप्रय वृत्ति में जो कि मिथ्या होता है झूठ होता है और फिर कभी विकल्प वृत्ति में कभी निद्रा वृत्ति में हमारा स्वरूप होगा और कभी स्मृति वृत्ति में हमारा स्वरूप होगा तो स्वरूप ऐसा हो जाएगा वृत्ति रूप हो जाएगा वह लेकिन वास्तव में जो स्वरूप है वो तो पुरुष स्वरूप है वह तो आत्मा है वह तो चैतन्य है मनतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल मन मनतु ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान की मन हे मन तू ज्योत स्वरूप है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेकिन संसार के वृत्तियां अनेकों वृत्तियां कभी प्रमाण के रूप में कभी विप्रय के रूप में कभी विकल्प के रूप में कभी निद्रा कभी स्मृति ये वृत्तियां ही हमारा स्वरूप बनी रहती हैं। इन्हीं में हम रहते हैं और क्लिष्ट अक्लिष्ट यह दोनों ही प्रकार का अनुभव कराती रहती हैं तो अब इन वृत्तियों का निरोध होना चाहिए तो इनका निरोध कैसे होगा तो महर्षि पतंजलि लिखते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन अब यहां से उपाय की चर्चा शुरू होती है कि भाई चित्तवृत्ति के निरोध के कौन कौन से उपाय हैं कौन कौन से उपाय हैं चित्तवृत्ति निरोध के तो चित्तवृत्ति निरोध के समाधि पाद में महर्षि पतंजलि दी महर्षि पतंजलि तीन प्रकार के उपाय बताते हैं तीन प्रकार के उपाय बताते हैं मैं थोड़ा सा तीन प्रकार के उपायों के बारे में ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पूरा पिक्चर क्लियर हो क्योंकि योग सूत्र के जो सूत्र हैं वो बहुत गूढ़ हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी विद्वान लोगों को भी समझने में कठिनाई होती है योग सूत्रों को कि महर्षि पतंजलि कौन सी बात को लेकर कहां पर कौन सी बात कह रहे हैं और उसका गूढ़ार्थ क्या है बहुत गहराई में उतर जाते हैं और बहुत गहरी बात कह देते हैं तो कई बार यह स्पष्ट नहीं होता तो तीन प्रकार के चित्तवृत्ति निरोध के उपाय समाधि उपाय की बात नहीं कर रहा हाँ यह भी है कि चित्तवृत्ति निरोध से ही तो समाधि होगी यह भी बात सही है लेकिन चित्तवृत्ति निरोध के उपाय बताते हैं और उसके तीन स्तर बताते हैं और उस तीन स्तर में जो श्रेष्ठ है चित्तवृत्ति निरोध का जो श्रेष्ठ उपाय है और जिसे श्रेष्ठ साधक अपनाते हैं वो है अभ्यास अभ्याम तन निरोधा अभ्यास और वैराग्य जो श्रेष्ठ साधक हैं वो अभ्यास और वैराग्य का ही माध्यम चुनते हैं जो बलवान साधक हैं जो वीरवान साधक है वीरवान मतलब जो वीरवान है जो वीर हैं वह जो साधक हैं वह अभ्यास और वैराग्य का ही मार्ग चुनते हैं अब दूसरा उपाय क्या है चित्तवृत्ति निरोध का तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय है ईश्वर प्राणिधान द्वा अर्थात ईश्वर प्राणिधान यह दूसरा उपाय है और यह थोड़े नीचे लेवल के साधकों के लिए है कि वो ईश्वर को अगर मान लेते हैं तो ईश्वर के नाम जप करेंगे तो बाकी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा लेकिन वह लंबा रास्ता भी है और वह थोड़े से नीचे लेवल के साधकों के लिए है अब जो है उससे भी नीचे लेबल के साधक हो सकते हैं उनकी संख्या हमेशा सबसे ज्यादा होगी तो उससे भी नीचे लेवल के जो साधक हो सकते हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने स्थूल ध्यान की विधियां बताई हैं कि वो स्थूल ध्यान शुरू करें त्राटक क्रिया शुरू करें और कुछ कुछ हट योग की भी विधियां उसमें आ जाती हैं फिर तो ऐसी स्थूल ध्यान शुरू करें वो स्थूल रूप से अपने मन को स्थिर करना ईश्वर परिधान में तो मंत्र जाप को भी ले लिया है वैसे लेकिन उसके नीचे और जाकर वो स्थूल ध्यान की बातें कुछ फिजिकल एक्टिविटी की भी थोड़ी बातें वो संकेत कर रहे हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई आसन कोई क्रिया वो बता नहीं रहे हैं लेकिन थोड़ा सा संकेत किया हुआ है कहीं पर भी योग सूत्र में ये आसन मुद्राएं बंद की चर्चा वैसे नहीं आती है तो यहाँ पर हाँ प्राणायाम की चर्चा आती है प्राणायाम की चर्चा इसमें अच्छे से आती है और उस पर चर्चा होगी तो वो कुछ अलग विधियाँ उससे भी नीचे के साधकों के लिए बता रहे हैं तो इस प्रकार से ये तीन पर, लेवल पर उन्होंने उपाय बताए हम एक एक उपाय को समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में आज नहीं तो अभ्यास वैराग्य अभ्याम अभ्यास करने से क्या होगा तो महर्षि पतंजलि कहते कि दृढ़ भूमि तैयार होगी इसकी दृढ़ भूमि मन की दृढ़ भूमि चित्त की दृढ़ता आ जाएगी अभ्यास करने से दृढ़ भूमि तैयार होगी और दृढ़ भूमि का परिणाम क्या होगा दृढ़ भूमि का परिणाम वैराग्य होगा अब वैराग्य में दो प्रकार के वैराग्य पर वैराग्य और अपर वैराग्य होगा अपर वैराग्य को वशीकार वैराग्य भी कहा गया जो मात्र बाहर से दिखाई देता है जो मात्र बाहरी वैराग्य है देखने और सुने हुए विषयों में जो आ सकती है आपने सुना कि यह मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है लेकिन खाया तो नहीं ना अभी तक अब आपको मन हो रहा है मुझे भी खाने को मिले मुझे भी खाने को मिले देखे और सुने हुए विषयों में जो वासना होती है देखे और सुने हुए विषयों में जो वासना होती है जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने की जैसे कि हमने किसी की बहुत बड़ी गाड़ी देखी अरे वाह कितनी महंगी गाड़ी लेकर घूम रहा है मेरे पास भी कासो इन रियलिटी हमें नहीं पता कि वास्तव में वह व्यक्ति उस गाड़ी को खरीद कर सुखी भी है कि नहीं है हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे दूसरी समस्याएं आए और जिससे कि दुख पैदा हो जाए जिससे कि दुख पैदा हो जाए जिससे कि अशांति पैदा हो जाए तो यह भी तो हो सकता है ना ऐसा भी तो हो सकता है तो उगाड़ी के कारण दुख हो जाए बंगले के कारण दुख हो जाए और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं तो हमें नहीं पता लेकिन हमारे मन में देख कर ही वासना उत्पन्न हो गई कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए तो इस लेबल के जो इस लेबल की जो आसक्तियां हैं उनका उनको खत्म कर देना उनके प्रति आसक्ति न रखना यह वशिकार वैराग्य अब पर वैराग्य यह वशिकार वैराग्य ही अपर वैराग्य है अब परम वैराग्य की चर्चा महर्षि पतंजलि कहते हैं तो परम वैराग्य में कहते हैं कि पुरुष ख्याति आत्मज्ञान से यह वैराग्य ऐसे नहीं आ सकता इसको आप दमनकारी नीति से नहीं ला सकते हाँ जो वशिकार वैराग्य है उसमें दमन चलता है कि भाई अपना इधर उधर ध्यान मत दो उसमें दमन चलता है लेकिन जो पुरुष ख्याति से आता है जो आत्मज्ञान से जो वैराग्य होता है उस वैराग्य में दमन नहीं चलता वह एक मैच्योर अवस्था है एक परिपक्व अवस्था है जहाँ स्वतः ही वैराग्य हो जाता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेलता है खिलौनों के लिए रोता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वही बच्चा जब सोलह सत्रह साल का युवा होने लग जाता है तो अब उसे खिलौने नहीं चाहिए उसे खिलौनों से खेलने का कोई शौक नहीं वो खिलौने ढूंढता भी नहीं है मांगता भी नहीं है क्योंकि वह बड़ा हो गया परिपक्व हो गया वैसे ही जो आत्मख्याति अर्थात पुरुष ख्याति आत्मज्ञान आत्मज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होगा पुरुष के ज्ञान से पचीसवां तत्व क्योंकि जो योग सूत्र है ना वह सांख्य पे आधारित है यहां पर पुरुष ख्याति पुरुष ख्याति का मतलब है आत्मज्ञान यहां पर पुरुष तत्व को आत्मा ही माना गया है सांख्य योग में तो उसको आत्मज्ञान हो जाने से फिर जो वैराग्य आता है वह परिपक्व वैराग्य है वह परिपक्वता से आता है ना कि जबरदस्ती थोपा जाता है तो वह वैराग्य उसे प्राप्त होता है और वह वैराग्य जो है उसी वैराग्य के लिए जो योगी है उसकी जो चित्त वृत्तियां हैं वो कहां प्राप्त हो जाती हैं विराम में चली जाती हैं विराम में चली जाती हैं तो विराम प्रत्यय बनता है विराम प्रत्यय जो महर्षि पतंजलि ने अठारहवें सूत्र में कहा विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषुअ्य परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत हो जाती हैं विराम लग जाता है उनके ऊपर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि होगी वह जो समाधि है वह कोई अन्य है क्योंकि यहां पर वैराग्य के द्वारा पहले संप्रज्ञात समाधि को बताया गया कि भाई संप्रज्ञात समाधि होगी इससे पूर्व इससे पूर्व के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने संप्रज्ञात समाधि की चर्चा कर दी है कि भाई कैसे होती है तो वितर्क विचार अनु अनुगमा अनुगमात संप्रज्ञात कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त जो तो चित्तवृत्ति का समाधान होता है समाधान मतलब कि चित्तवृत्तियों का निरोध होता है इन चारों से वितर्क विचार आनंद और अस्मिता <š Writing> विचार विछा, आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से वितर्क मतलब तर्क कुतर्क जिसमें चलता है विचार मतलब थॉट आनंद मतलब आनंद की अनुभूति अस्मिता मतलब अभिमान <coughs> अपना व्यक्तिगत अस्तित्व बोध बना रहना अस्मिता है तो इन सबके संबंध से युक्त जो चित्तवृत्ति का समाधान हुआ है वह तो संप्रज्ञात है वह संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग के नाम से वह जाना जाता है ठीक है तो उसे संप्रज्ञात कहते हैं लेकिन जो विराम प्रत्यय से जो समाधि होती है जहां पर चित्त वृत्तियों का पूर्ण शांति हो जाती है मात्र संस्कार शेष रह जाते हैं वहां पर असंप्रज्ञात की ओर वह समाधि कोई अन्य है असंप्रज्ञात की ओर इशारा किया गया क्योंकि उसके बारे में वो बाद में बताएंगे इसलिए अन्य अन्निश, अन्य शब्द तो विराम प्रत्यय अर्थात चित्त वृत्तियों का पूर्ण शांत हो जाना पूर्ण शांत हो जाना मात्र संस्कार शेष रहते हैं और उसमें भी दो प्रकार हैं सबीज और निर्बीज निर... सबीज में संस्कार निर्बीज में संस्कार भी शेष नहीं रहते लेकिन यदि योगी की मृत्यु हो जाए अगर उसे देह त्यागना पड़ता है और संस्कार बीज रूप में पड़े हुए हैं तो फिर क्या होगा संस्कार बीज रूप में पड़े हुए हैं और उसे अपना देह त्यागना पड़ जाए तो भव प्रत्यय होगा भव प्रत्यय यह विराम प्रत्यय और भव प्रत्यय को समझिए। फिर भव प्रत्यय होगा विराम प्रत्यय के बाद कौन सा प्रत्यय भव प्रत्यय भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लय नाम और जो साधक है जो योगी है उसे संस्कारों के रहने के कारण दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा परंतु उसके लिए यह आखिरी शरीर होगा उसका अंतिम जन्म होगा वो ठीक ना यह उसका अंतिम जन्म होगा आखिरी जन्म होगा जो भव प्रत्यय के रूप में है और इस बार उसे बहुत थोड़े से प्रयास में उसे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे बिना किसी उपाय के ही समाधि अवस्था प्राप्त होगी उसे कैवल्य प्राप्त होगा उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा अपवर्ग प्राप्त हो जाएगा ठीक बिना किसी उपाय के क्योंकि वह असंप्रज्ञात समाधि तक तो पहुंच चुका था लेकिन सबीज पहुंचा निर्बीज तक नहीं पहुंचा इसीलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ा संस्कार उसके रह गए और दोबारा लेकिन जन्म शरीर धारण करेगा और ऐसे माहौल में शरीर धारण करेगा जहां पर योग का माहौल होगा जहां योग करना सहज होगा सरल होगा ठीक है योग करना उसके लिए सहज होगा योग करना उसके लिए सहल सरल होगा तो इस प्रकार से उस अंतिम जन्म में वह कैवल्य को प्राप्त करेगा चित्तवृत्ति निरोध करके समाधि को सहजता से प्राप्त कर लेगा कोई कठिनाई और किसी उपाय की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी अन्यथा यदि वह उस अवस्था को नहीं प्राप्त किया यदि उसने उस अवस्था को नहीं प्राप्त किया तो फिर क्या होगा प्रश्न ये उठता है भाई फिर तो उसे सारे अभ्यास करने पड़ेंगे और उसी के लिए लिखा जा रहा है महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा इतरे शाम फिर दूसरे साधकों का दूसरे साधकों के तरह योगी को फिर से श्रद्धा वीर स्मृति समाधि पूर्वक क्रम से सिद्ध होगा फिर उसे क्रम से सारे सिद्धियां करनी पड़ेगी अपनी श्रद्धा को सिद्ध करना पड़ेगा अपने वीर को सिद्ध करना पड़ेगा स्मृति को सिद्ध करना पड़ेगा और फिर रितंभरा अवस्था प्राप्त होगी और प्रज्ञापूर्वक विवेक पूर्वक सत्य का प्रज्ञा का मतलब क्या है सत्य का ज्ञान जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो उसे समाधि प्राप्त हो जाएगी तो यह यह उपाय बताया जा रहा है कि समाधि प्राप्त करने के ये उपाय हैं ठीक ये छह उपाय हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक ठीक ना पांच उपाय ये पंच उपाय श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा यहां पर समाधि का अर्थ जो है संप्रज्ञात जो पहले वाली समाधि है संप्रज्ञात समाधि की ओर इशारा किया गया है तो वहां पर उसे संप्रज्ञात में जाना होगा तभी तो असंप्रज्ञात तो संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात कैसे जाएगा तो पुरुष ख्याति से जाएगा पूर्वक प्रज्ञा कहने का मतलब सत्य का ज्ञान प्रज्ञा कहने का मतलब आत्मा का ज्ञान प्रज्ञा कहने का मतलब पुरुष का ज्ञान पुरुष तत्व का ज्ञान तो वह ऐसे फिर समाधि को प्राप्त करेगा तो वह फिर से शुरुआत श्रद्धापूर्वक अभ्यास वैराग्य शुरू करेगा ठीक है वीरवान बनाएगा अपने आपको वीर कहने का मतलब मात्र शुक्राणुओं से नहीं है यहां पर वीर मतलब वो क्षमता वो शक्ति जो हमारे अंदर जो वीरता है ठीक जो वीरता है उसको वो प्राप्त होगा फिर स्मृति को फिर समाधि असंप्रज्ञात और फिर सत्य का ज्ञान कर कर निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाएगा तो उसे इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा इस क्रम से उसे सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा अगर उसने असंप्रज्ञात समाधि के निर्वी सभीज समाधि तक नहीं सभीज समाधि मतलब जो संस्कार युक्त अवस्था है वहां तक नहीं पहुंचा तो उसे फिर सारे उपायों को फिर से अगले जन्म में भी करना पड़ेगा हर साधक को उस उपाय से गुजरना पड़ेगा तो महर्षि पतंजलि अभ्यास और वैरा, वैराग्य रूपी जो श्रेष्ठ उपाय है चित्तवृत्ति निरोध के लिए चित्तवृत्ति निरोध के लिए जो श्रेष्ठ उपाय है वह है अभ्यास और वैराग्य उसके संदर्भ में यह सारी चर्चा कर रहे हैं उसके संदर्भ में ये सारी बातें कर रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य करो दृढ़ भूमि होगी से वशिकार वैराग्य होगा वशिकार वैराग्य से के बाद परम वैराग्य होगा पुरुष ख्याति से से परम वैराग्य से असंप्रज्ञात और समाधि जैसी कुछ स्थितियाँ आती हैं जो कि वितर्क और विचार आनंद और अस्मिता से संबंध बनाकर बनती हैं और उससे भी योगी आगे बढ़ेगा तो असंप्रज्ञात निर्वीर सभी समाधि की ओर आगे बढ़ जाएगा ठीक है और उसमें यदि वो चूक गया निर्बीज तक पहुंचने में चूक गया सबीज में रह गया संस्कारों के साथ रह गया संस्कारों के बीच कर्म संस्कार के बीच विद्यमान रह गए और निर्बीज अवस्था को वो प्राप्त न हो पाया तो फिर क्या होगा तो फिर भव प्रत्यय को वो प्राप्त होगा विराम प्रत्यय उससे छूट जाएगा और भव प्रत्यय को वो प्राप्त होगा और प्रत्यय को प्राप्त होकर वह बड़ी आसानी से अपनी मुक्ति कर लेगा अगले जन्म में दोबारा शरीर उसको धारण करना पड़ेगा क्योंकि अभी कर्म संस्कारों के बीज हैं यदि उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे योगी की अगर मृत्यु होती है तो दोबारा शरीर वो धारण करेगा अपने योग को पूर्ण करने के लिए ठीक है और अगर वह सबीज की अवस्था को भी नहीं प्राप्त कर पाता उससे नीचे ही काफी रह जाता है तो फिर उसे पुनः पूरे क्रम से उपाय करना पड़ेगा और वो क्रम क्या होगा श्रद्धा वीर स्मृति समाधि समाधि और श्रद्धा स्मृति समा संप्रज्ञात समाधि और प्रज्ञा तो ऐसे करकर वह जो है असंप्रज्ञात समाधि उसकी सिद्ध होगी असंप्रज्ञात तब जाकर पहले संप्रज्ञात आएगी फिर असंप्रज्ञात तब उसकी असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी और वह सबीज से निर्बीज की यात्रा करेगा निर्बीज समाधि में लीन हो जाएगा और फिर उसके लिए फिर जन्म मरण नहीं रहेगा क्योंकि कोई बीज नहीं है कोई संस्कार और कर्मों का बीज बचा नहीं तो फिर कैसे तो यह पंच उपाय श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञापुर इससे समाधि सिद्ध होगी इस क्रम से एक साधारण साधक को चलना पड़ता है तो साधारण साधक विशेष साधक समाधि प्राप्त साधक अभ्यास और वैराग्य का मार्ग महर्षि पतंजलि यहाँ दिखा रहे हैं और यह सबसे श्रेष्ठ उपाय इसको माना जाता है अभ्यास और वैराग्य का उपाय ठीक है तो ये सारी चर्चा इस प्रकार से महर्षि पतंजलि हमारे समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं स्पष्ट करकर हमें भी समझने की आवश्यकता है समाधि का यह विषय विशे और विशेषकर जो विद्यार्थी हैं जिनको परीक्षाएं देनी हैं जरूर इसके इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट कर लें उसे नोट कर लें अब जो है चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय हम कल देखेंगे चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय पहला उपाय तो अभ्यास वैराग्य उसकी चर्चा यहां तक थी जो आज हमने सुना ठीक है अब चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय क्या है ईश्वर प्रणिधान चित्तवृत्ति निरोध का दूसरा उपाय है ईश्वर परिधान तो हम ईश्वर परिधान को समझने का प्रयास कल के व्याख्यान से करेंगे कि महर्षि पतंजलि इस उपाय को कैसे समझा रहे हैं इस उपाय को कैसे बता रहे हैं तो चलिए देखते हैं आप में से किन लोगों ने विशेष कुछ कमेंट किया है चर्चा लायक कमेंट होगा तो चर्चा की जाएगी नवजोत नाथ जी ठीक जगत नारायण जी आदरणीय निशा के चरणों में निशा कौन है भाई पंकज सोनी शंकर प्रसाद जी राम लखन राजपूत विमला शाह जी रूपलाल विश्वकर्मा सविता नायक जी संतोष गुप्ता जी विंदेश्वरी मिश्रा जी विनोद केसुद जी राम निवास मीना जी योगेंद्र पंडित उषा श्रीवास्तव ए के त्यागी राहुल तिवारी जी जय श्री राम अपूर्व विश्वकर्मा बबीता धीमान जी नरसाराम जी दीपक नागरे कमलेश खैरनर रतन सिंह जी सुहास राने श्वेता कुमारी विजय बालाजी पुष्पा भाटी कन्हई कुमार राम प्रकाश श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन आप सभी का अभिनी प्रधान जी अमन कक्कर काशी नाथ ओम गुरु जी प्रणाम मुझे जागृत अवस्था में हमेशा नाद सुनाई पड़ता है ध्यान में अंदर से आनंद की लहरें उठती हैं शरीर शून्य अवस्था में होता है यह अवस्था क्या है अच्छी अवस्था है आप उन्मनी अवस्था की ओर प्रस्थान कर गए हैं अच्छी अवस्था है आनंद लूटिए ध्यान योग का कोर्स आपने किया है और उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है काशीनाथ जी कि आप ध्यान योग का कोर्स करके इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं शिखर शर्मा जी अशोक गोयल जी धनराज सिंह राजपूत अर्जुन पाटिल शिवम भट्टजी हीरा लाल यादव राहुल तिवारी विष्णुचंद्र मौर्या सुप्रीत देवेंद्र सिंह राठौर विक्रम भाई दीपेंदु घोष रचना जी योगेंद्र पंडित मनीष यादव हर हर महादेव जय श्री राम जयंती भाई पटेल जयंती दत्ता जी ओम निवशवाय गौरी शंकर नमो नमः जय श्रिया राम जय श्री कृष्ण कमलेश उपाध्याय जी बीखू कुचाड़िया जी राज रामविलास जी <coughs> रेणु भंडारू जी माधुरी कोले जी विक्रम सिंह अजित खास रेस्पी अशोक माली घनश्याम सरोदे अखिलेश टेलीकॉम राहुल राम बलवंत सिंह गोहिल अनिल कुमार जी रामविलास जी सर कितन दुर्भाग्य की बात है कि जीवन जीने के का मन नहीं करता है फिर भी जीना पड़ रहा है क्या कि संसार कितना सुखमय है जीवन जीना का मन नहीं करता फिर संसार सुखमय भी है संसार भ्रमित करता है मृग मरीचिका के समान एक मृग मरीचिका के समान जैसे मृग की मरीचिका मृग की माया है कस्तूरी उसके नाभि में है और वह ढूँढ़ता वन में है जो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूँढे वन माही वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझे नाही कि घट घट में वैसे ही वह ब्रह्म है उसको ना जानकर वह बाहर भटकता रहता है और उसी में सुख की तलाश करता रहता है खोज करता रहता है ढूँढता रहता है तो इसलिए जीवन तो जीना पड़ता है क्योंकि जीव के कर्म संस्कार तब तक, तक है जीवन है इस शरीर को त्याग कर, कर या मरकर या आत्महत्या करके भी जीवन नहीं नष्ट होगा जीवन अपना दूसरा चैप्टर लेकर शुरू हो जाएगा ठीक है जीवन नष्ट नहीं होगा शरीर नष्ट हो जाएगा मृत्यु के समय लेकिन जीवन नष्ट नहीं होगा मुझे योग निद्रा में तीन सूर्य की जैसी प्रज्ञा ध्यान मुद्रा में दिखाई दी इसका क्या अर्थ होता है करिए साधना करिए अनुभूतियां हैं ठीक करते समय पता चलता है कि किस संस्कार से मैं व्यवहार कर रहा हूं ठीक है अच्छी बात है पता चलना चाहिए तो चलिए इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में और कल का बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ईश्वर प्रणिधान क्योंकि सांख्य शास्त्र ईश्वरवादी नहीं है ईश्वरवादी नहीं है और विकासवादी है सांख्य शास्त्र परिणामवादी है विकासवादी और परिणामवादी है सांख्य दर्शन सांख्या फिलॉसफी और उसके आधार पर योग सूत्र में चर्चा है तो सांख्य में तो ईश्वर की चर्चा नहीं तो फिर योग सूत्र में ईश्वर की चर्चा किस ढंग से की गई है यह अपने आप में बहुत ही रोचक विषय है क्योंकि यह चर्चा वेदांत की तरह भी तो नहीं है सांख्य की तरह भी नहीं है न्याय और वैशेषिक में भी ईश्वर की चर्चा है तो उसकी तरह भी नहीं है यह ईश्वर की चर्चा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है योग सूत्र में उन्होंने ईश्वर के बारे में किस ढंग से बताया किस ढंग से वर्णन किया है तो हम उसे कल समझते हैं और ईश्वर प्रणिधान को समझने का प्रयास करें तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में नाइन पी पर बहुत बहुत आभार आप सभी का वीडियो आपको सही लगे तो इसे जरूर शेयर कर दें ये सारे वीडियोस आम जनमानस के साथ ही साथ साधारण जिज्ञासुओं के साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने हैं योग के विषय में उनके लिए भी बहुत जरूरी है तो एक आप इसलिए श्लोकों इस का सीक्वेंस लेके चला जाता है और बताया जाता है कहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है ज़रूर आप नोट करते जाएं और लाभ उठाएं तो बहुत बहुत आभार आप सभी का